महंगाई से राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने सस्ती दर पर आटा, टमाटर, प्याज, चना दाल बेचने की शुरुआत कर दी है। केंद्र सरकार की सस्ती दर पर खाद्य पदार्थ बेचने मोबाइल वैन लोगों के बीच पहुंचने लगी है। ये वीडियो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की है, जहां केंद्र सरकार की मोबाइल वैन के जरिए सस्ता आटा, दाल और प्याज बेची जा रही है। खाद्य पदार्थ बेचने वाली मोबाइल वैन पर आटा, दाल और प्याज के भाव का बैनर भी लगा है, जिसमें देखा जा सकता है कि 27.50 रुपये प्रति किलो भारत आटा, 25 रुपये किलो प्याज और 60 रुपये किलो दाल लिखा हुआ है। बता दें कि मोबाइल वैन पर भारत ब्रांड का 10 किलो आटे का पैकेट 275 रुपये में मिल रहा है, जबकि बाजार में नॉर्मल ब्रांड का 10 किलो आटे का पैकेट 370 रुपये का है। वहीं केंद्र सरकार उपभोक्ताओं को 25 रुपये प्रति किलो प्याज और 60 रुपये प्रति किलो भारत दाल उपलब्ध करा रही है। बता दें कि सरकार बाजार भाव से 30 रुपये सस्ती दर पर आटा बेच रही है। केंद्र सरकार ने 6 नवंबर को इसकी शुरुआत की थी। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने हरी झंडी दिखाकर 100 वैन को लॉन्च किया था। सस्ती कीमत पर खाद्य पदार्थों को उपलब्ध कराने का उद्देश्य महंगाई दर में कमी लाना है। सितंबर में भारत की खुदरा महंगाई दर 5.02% दर्ज की गई। गौरतलब है कि जुलाई में खुले बाजार में टमाटर की 400 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई थी, जिसके बाद केंद्र सरकार को सहकारी समितियों NCCF और NAFED को सस्ती दर पर टमाटर बिक्री के लिए शहरों में उतारना पड़ा था। बीते करीब 20 दिनों में महंगी प्याज से लोगों को राहत देने के लिए 25 से ज्यादा राज्यों के 200 से अधिक शहरों में बाजार भाव से 3 गुना सस्ता प्याज बेची जा रही है। बाजार में खुदरा प्याज का दाम 90 रुपये तक पहुंचा है, जिसमें NCCF और NAFED के जरिए केवल 25 रुपये प्रति किलो कीमत पर बेचा जा रहा है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।